बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों से तंदुरुस्ती अता करे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पर वक्त मिलते रहें। दोस्तों आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ज़रूर ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जो कि देहात को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देहात के कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं चैनल्स के बारे में बात करूंगा जो टॉप के 10 पाकिस्तान में विलेज व्लॉगर्स हैं। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। नंबर वन पे आते हैं मुबशर सदीक। तो इनकी छोटी सी स्टोरी भी, जो भी मैं आपको चैनल बताऊँगा उसका छोटा सा एक जो लुबे लबाब होता है समराइज करके एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ। ये भाई जॉब करते थे, जॉब इन्होंने छोड़ दी है, तो उसके बाद इन्होंने एक फूड का मतलब विलेज फूड सीक्रेट के नाम से एक चैनल बनाया और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। 2.5 मतलब तकरीबन 3 मिलियन के करीब करीब सब्सक्राइबर इनके होने वाले हैं और विलेज से रिलेटेड व्लॉग्स भी बनाते हैं, काफ़ी माशाल्लाह तरक्की कर गए हैं। और नंबर टू पे आते हैं जैनुल आबिदीन, इनके छोटे भाई हैं, बड़े भाइयों ने इन्हें सपोर्ट किया है और शुरू शुरू में काफ़ी हिचकिचाए हैं, लेकिन इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। अभी माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और इसके बाद नंबर थ्री पे आता है अली भाई ऑफिशियल, इनको सपोर्ट करने वाले ये दोनों भाई हैं, लेकिन इनके दोस्त जो उनसे हैं जैनुल आबिदीन हैं, उसकी वजह से ये ऊपर आए हैं। और इनके मुख्तसर सी कुछ स्टोरी इस तरह है कि इनसे बोला तो नहीं जाता था, लेकिन यह कोशिश करने से हर चीज़ मुमकिन हो जाती है और माशाल्लाह भी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर फोर, नंबर फोर पे आता है डेली रूटीन। अल्लाह ताला ने इन्हें चंद दिनों में काफ़ी इज़्ज़त दी है। ये एक मेरी बहन हैं, तो अगर आप सर्च करना चाहते हैं, मैं जो जो चैनल आपको बता रहा हूँ वो मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ भी का, आप सर्च करें विलेज रिलेटेड कॉन्टेंट होगा, बड़ा मज़े का बड़े मज़ेदार कॉन्टेंट बनाते हैं, इनका भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है नंबर फाइव, नंबर फाइव पे आते हैं पॉक विलेज ब्लॉग्स। इन भाई की वीडियोज़ देखें, ये काफ़ी अच्छे मज़ेदार बनाते हैं और विलेज रिलेटेड होती हैं, घूम फिर के वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन शुरू शुरू में इन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज़ करके काफ़ी ऊपर आने की कोशिश की और कामयाबी भी इन्हें मिली है। और माशाल्लाह अब हट के मतलब क्रिटिसिज्म से हट के ये फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, साथ में अपनी मिसेज को भी ले हैं और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर सिक्स अलीवीर, अलीवीर को भी आप जानते होंगे, समझ लें कि यूट्यूब का ऊपर आके काम किया और फिर यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे बच्चे देना शुरू कर दिया। बच्चे से मुराद ये है कि इन्होंने काफ़ी यूट्यूबर पैदा कर दिए हैं देहात के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इनका चैनल, तो विलेज रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके बाद आ जाता है नंबर सेवन इब्रार अली अवान, ये डेली रूटीन वाली आंटी के बेटे हैं, तो ये भी मतलब कम अरसे में इन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली है यूट्यूब के ऊपर, ये भी अच्छा अच्छा कंटेंट मतलब तैयार करते हैं। आजकल इनका थोड़ा सा एक मसला सा चल रहा है जिसकी वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, अगर आप चेक करना चाहते हैं इनके चैनल पे जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, इनके मसले से थोड़े से आजकल चल रहे हैं इस वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है नंबर एट टूर एंड टेस्ट, इन भाई को मैंने देखा है माशाल्लाह इन्होंने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, देहात में जाके मुख्तलिफ जगह प्लेसेस पे जाके वहाँ के कल्चर वहाँ की सकाफत से रिलेटेड कुकिंग करते हैं और खाने पीने की जो भी चीज़ें मतलब अपने हर इलाकाई पाकिस्तान के हर इलाके में ये जाते हैं और वहाँ पर जाके ये कुकिंग करते हैं, वहाँ की जो मशहूर तरीन चीज़ होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये वीडियो बनाते हैं, ज़बरदस्त इनका भी। इसके बाद नंबर नाइन पे आ जाता है जोहेब पेंडू, जोहेब पेंडू के नाम से ये एक बच्चा है, लेकिन ये है कि इसको लाने वाले टूर टेस्ट वाले अंकल हैं और माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये है कि ये शुगली मेली बनाते हैं बच्चों के साथ जो होता है, तो विलेज में ये भी मतलब विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। इसके बाद आ जाते हैं नंबर टेन पे फयाज़ भाई, फयाज़ भाई को लाने वाले अलीवीर भाई हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बात बताई है कि अलीवीर ने छोटे छोटे बच्चे दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, बच्चों से मुराद यही है कि यूट्यूबर पैदा कर दिए हैं देहात के अंदर काफ़ी सारे, उनके काफ़ी फैमिलीज काम कर रही हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो अली भाई फयाज को देखें तो इंशाल्लाह आपको उन गाँव की एक नेचुरल ब्यूटी वो भी नज़र आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए
और इसके अलावा अच्छा सा एक कमेंट ड्रॉप कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे और चैनल्स हैं, वो वक्त फ़वक्ता मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। एक और मैं चैनल के बारे में आपसे बात करता हूँ, मिंटो फैमिली ब्लॉग्स के नाम से, पहले मिंटो लाइव के नाम से था, अभी इन्होंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है तो मिंटो फैमिली ब्लॉग्स के नाम से रख दिया है। उनका भी यही था कि जैसा पाक विलेज ब्लॉग्स वाले भाई क्रिटिसाइज़ करते होते थे और मतलब आहिस्ता आहिस्ता करते करते ऊपर आ गए, लेकिन अभी इनका एक साफ इन्वायरमेंट हो गया। साफ इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि पहले ये इनकी भी एक स्टोरी है, पोल्ट्री फार्म रखा हुआ था, ख़त्म किया है, बाई चांस इंटर हो गए यूट्यूब की दुनिया में, और भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं अपनी मिसेज के साथ, और मिसेज का भी इनका चैनल है कुकिंग से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। खुदा हाफिज़।